लास्ट लेक्चर में हमने सारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। आज मोस्टली हमारा फोकस रहेगा एंटी एंजाइनल ड्रग्स ना। एंटी एंजाइनल ड्रग्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो एक बार हम लोग ये त्रिपाठी में से लिया हुआ है दिस चार्ट्स, तो इसमें सारा सारा का सारा सारा सारे एंटी हाइपरटेंसिव समराइज किए हुए हैं। इन विच इंक्लूड्स डायोरेटिक, एस इनहिबिटर्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डायोरेटिक्स, इसका इंडिकेशंस हार्ट फेल्यूर, हाई CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, रिकरेंट स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए एंड डायबिटिक पेशेंट में यूज होते हैं, सुटेबल फॉर एल्डरली पेशेंट, दोज हैविंग लो रेनिन हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड सिस्टमिक हाइपरटेंशन, ओबेज विथ वॉल्यूम ओवरलोड, एंड दिस इज अ लो कॉस्ट थेरेपी। हमने सारे डायोरेटिक्स के टाइप देखे थे, लूप डायोरेटिक, थायराइड्स है ना, पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक्स। तो उसमें से हम लोग स्टडी करके चॉइस कर सकते हैं कौन सा डायोरेटिक यूज करना चाहिए, किसमें नहीं यूज करने हैं डायोरेटिक्स। टू बी अवॉइडेड इन, इट शुड बी अवॉइडेड इन अ गाउट और अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ गाउट, एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। इन सारे चीजों में डायोरेटिक शुड नॉट बी यूज। तो ये सारा चार्ट है, आप एक बार इसको भी प्रिंट आउट करके अपने क्लिनिक में लगा लीजिए, तो इट इज ईजी फॉर प्रिस्क्राइबिंग। एस इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, दोनों मोर और लेस दोनों के इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम ही है, मोस्टली यूज। एक इसमें सब हमेशा एक बात याद रखना, एस इनहिबिटर्स में जैसे कि इट इज यूज इन हार्ट फेल्यूर एंड डायबिटिक पेशेंट एंड क्रॉनिक किडनी डिसीज। एक याद रखना, अगर ये क्रॉनिक किडनी डिसीज है या डायबिटिक नेफ्रोपैथी को होने से भी एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर रोकता है, बट अगर पेशेंट की रीनल किडनी अगर डैमेज हो चुकी है, बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस अगर है, या पेशेंट को सिंगल किडनी है, या रीनल फेल्यूअर में अगर पेशेंट है, एक्यूट रीनल फेल्यूअर में अगर पेशेंट है, तो इट शुड नॉट बी यूज, बट यूज इन अ डायबिटिक नेफ्रोपैथी में ये यूज हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ड्राई कफ है तो एस इनहिबिटर्स नहीं देना है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, मिनीप्रिल या रामेप्रिल, जो भी प्रिल वाले हैं जिनको ड्राई कॉफ है उनको नहीं देना है, क्योंकि वो ब्रैडीकाइनिन के लेवल रेज करके कॉफ फिर से बढ़ा सकता है पेशेंट को। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हमने देखा था, हार्ट फेल्यूर पोस्ट MI एंड हाई CAD रिस्क पेशेंट को हम लोग देते हैं। इट शुड नॉट बी यूज इन अस्थमेटिक पेशेंट, COPD, ब्रैडीकार्डिया है ना, पेरीफेरल वेस्क्यूलर डिसीज, या एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल अगर किसी का है, तो बीटा बीटा ब्लॉकर शुड बी अवॉइडेड। और किसमें यूज करना चाहिए, रिलेटिवली यंग पेशेंट है ना, अगर प्रेगनेंसी में है, प्रेगनेंसी में भी कार्डियो सिलेक्टिव एंड बीटा ब्लॉकर विद ISA। ISA मैंने क्या था वो लास्ट लेक्चर में समझाया था, माइग्रेन में यूज कर सकते हैं, इट इज अ लो कॉस्ट थेरेपी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रिकरेंट स्ट्रोक प्रिवेंशन में यूज हो सकता है, elderly who generally have a poor arterial wall complex, Raynaud's disease, pregnant, hypertensive, but pregnancy में भी हमने देखा था, pregnancy में this can be used, but it must be discontinued before the labor start, क्योंकि वो uterus को relax कर देगा और delivery के process को थोड़ा सा hamper करेगा। Okay, so to be avoided in, calcium channel should be avoided in, अगर कंडक्शन डिफेक्ट है, सिक्स साइनस सिंड्रोम है, मेल विद प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है एंड GERD अगर है, तो ये अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पेशेंट आते हैं जिसका प्रोस्टेट एनलार्ज हो या जिसको GERD हो, ऐसे ऐसे केसेस में डायहाइड्रोपाइरोडीन मतलब निफेडिपिन एम्लोडिपिन शुड बी अवॉइडेड। तो एक चार्ट से आप एक बार पूरे के पूरे एंटी हाइपरटेंसिव के थ्रू जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट अवर एंटी एंजाइनल ड्रग, बाकी एंटी एंजाइनल्स तो हमने सारे पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े दैट विल सी। द फर्स्ट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इट इज रैपिडली एंड कंसिस्टेंटली एक्टिंग वैसोडायलेटर, हैज अ ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 5 मिनट, वैस्क्युलर टोन कैन बी टाइटर्ड विद द रेट ऑफ IV इन्फ्यूजन। क्या होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, क्या करेगा, टोटल पेरीफेरल रेजिस्टेंस एंड कार्डियक आउटपुट को कम करेगा, मायोकार्डियल वर्क को रिड्यूस करेगा, इस्केमिया इज नॉट एक्वेंटेड एज ऑकर विद अ सिलेक्टिव आर्टेरियल डायलेटर, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से कम होती है।
लिटिल रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया इज प्रोड्यूस्ड इन सुपाइन पोस्चर। ठीक है, पेशेंट अगर लेट के अगर खड़ा होता है तो पेशेंट में लैंड अप इन टैकीकार्डिया, एंड टैकीकार्डिया के कारण उसको इस्केमिया अटैक फिर से हो सकता है। इन पेशेंट विद हार्ट फेल्यूर एंड वेंट्रिकुलर डायलेटेशन, नाइट्रोप्रोसाइड इंप्रूव वेंट्रिकुलर फंक्शन एंड कार्डियक आउटपुट बाय रिड्यूसिंग द कार्डियक प्री लोड एंड आफ्टर लोड। अभी भी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज द चॉइस ऑफ ड्रग है, अभी भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत फास्ट एक्ट करता है एंड कार्डियक प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को रेगुलेट करता है, रिड्यूस करता है। सोनाइड, प्यूसाइड, एनआईप्रेस के नाम से दिस मॉलिक्यूल इज अवेलेबल। क्या डोजेस है इसके सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हैज गेन पॉपुलरिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। 50 mg इज एडेड टू 500 ml बॉटल। द इन्फ्यूजन इज स्टार्टेड एट 0.02 mg पर मिनट, टाइटर्ड अपवर्ड विद द रिस्पॉन्स एंड 0.1 to 0.3 mg पर मिनट तक हम इसको सेट कर सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में आप कौन सा ड्रग यूज करो। इट डिकम्पोज, इसके वो ब्राइट लाइट में या सनलाइट में एक्सपोज नहीं करना है, इसे जब भी लगाएंगे तो ब्लैक पेपर से कवर करना है। नाइट्रोप्रोसाइड इज स्प्लिट टू रिलीज साइनाइड, द लैटर इज कन्वर्ट इनटू लीवर टू थायोसाइनाइड। साइड इफेक्ट मेनली ड्यू टू वैसोडायलेटेशन और पैल्पिटेशन, नर्वसनेस, वोमिटिंग, परस्पिरेशन, पेन इन एब्डोमेन, वीकनेस, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देन मेन इज जो हमारा टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरालिस। एंजाइना पेक्टोरालिस मतलब चेस्ट पेन बिकॉज ऑफ द ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। एंजाइना मतलब पेन, पेक्टोरालिस मतलब चेस्ट। तो एंजाइना पेक्टोरालिस होने के दो रीजन है, बट देयर आर टू रीजन जो चेस्ट पेन होने के। एक रीजन है, फर्स्ट डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो, जो हार्ट के मसल्स को ब्लड फ्लो कम होगा बिकॉज ऑफ एक तो वैसोस्पैज्म के कारण या स्टेनोसिस के कारण या थ्रोम्बस के कारण। अगर इसके कारण ब्लड फ्लो कम होता है तो भी एंजाइना हो सकता है। सेकेंड रीजन, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन, अगर हार्ट का ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा, कौन से रीजन में बढ़ेगा ऑक्सीजन कंजम्पशन? हार्ट को ऑक्सीजन ज्यादा कब लगेगा? एक तो हार्ट रेट बढ़ता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ता है, आफ्टर लोड बढ़ता है या प्री लोड बढ़ता है। तो अगर हमें किसी पेशेंट का एंजाइना कम करना है, अगर किसी पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना है या फिर स्टेबल एंजाइना है, अगर उसको हमें कम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो हमें थ्रोम्बस निकालना पड़ेगा या कुछ स्टेनोसिस है तो उसको निकालना पड़ेगा, वैसोस्पाज़म है तो कम करना पड़ेगा। बट इन जो चीज़ें हैं, जो इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन है, ये हम मेडिसिन से काफ़ी अच्छी तरीके से कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मेडिसिन, जो आफ्टर लोड कम करेगी, प्री लोड कम करेगी। जैसे कि हार्ट रेट कम करना है, सपोज हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देखे थे, वेरापामिनाइल डिल्टियाजिम क्या करेंगे, हार्ट रेट को कम करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को कम करेंगे। आफ्टर लोड को लिए मोस्टली आफ्टर लोड कम करने के लिए ACE इनहिबिटर्स का यूज होता है, प्री लोड आफ्टर लोड के लिए नाइट्रेट का यूज होता है। तो ये हम लोग सब देखेंगे कि हाउ दैट मॉलिक्यूल यूज टू वर्क इन एंजाइना। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, राइट अबाउट एंजाइना पेक्टोरालिस एंड ड्रग यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरालिस। तो बाकी के सामने हम सब पढ़ लिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमने पढ़ा है, बीटा ब्लॉकर हमने पढ़ा है, ACE इनहिबिटर्स हमने पढ़ा है, ये सारे ड्रग मॉलिक्यूल्स एंजाइना पेक्टोरालिस में यूज होते हैं। जो नहीं पढ़ा हमने वो नाइट्रेट्स है, तो हम लोग नाइट्रेट्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। पोटेशियम चैनल ओपनर जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जैसे कि निकोरैंडिल, वो पोटेशियम चैनल ओपनर है, वो भी दैट इज आल्सो वर्क एज एंटी एंजाइनल ड्रग। तो जो ड्रग नहीं पढ़े वो है नाइट्रेट्स। हम लोग नाइट्रेट्स के बारे में देखते हैं क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है। टाइप ऑफ एंजाइना, एंजाइना हमें पता है तीन टाइप का होता है, एक वैसोस्पास्टिक, एक फिक्स स्टेनोसिस एंड थर्ड इज थ्रोम्बस। वैसोस्पेसिफिक एंजाइना को प्रिंस मेटल्स वेरिएंट एंजाइना भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि एंजाइना मींस एंजाइना मतलब चेस्ट पेन, मोस्टली दिस इज इस्केमिक स्ट्रोक जिसमें ब्लड सप्लाई कम होगा, जो ST डिप्रेशन होगा, बट प्रिंस मेटल्स एंजाइना में ST एलिवेशन आपको मिलता है। प्रिंस मेटल्स वेरिएंट एंजाइना सप्लाई इस्केमिया, वैसोस्पाज़म जो कोरोनरी वेसल्स का स्पाज़म बिकॉज ऑफ टोबैको, बिकॉज ऑफ नर्वस शॉक, जो कोरोनरी आर्टरी स्पाज़म में जाएगी उसके कारण एंजाइना होगा, उसको बोलते हैं प्रिंस मेटल्स वेरिएंट एंजाइना। या क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना मतलब सपोज फिक्स स्टेनोसिस है, किसी कोरोनरी आर्टरी एंटेरियर कोरोनरी आर्टरी है,
सपोज एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी है उसमें सपोज 70% ब्लॉक है, 70% ब्लॉक है और वो फिक्स्ड ब्लॉक है, फिक्स ब्लॉक है एंड पेशेंट को जनरली कोई तकलीफ नहीं है, वो अपने रेगुलर काम नॉर्मली कर रहा है, बट सपोज अगर उसे कुछ एग्जर्शन हुआ एंड सपोज ही ट्राई टू रन मूव और उसने कुछ अपस्टेयर रन किया तो उसे अंजाइना होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेबल अंजाइना। मतलब आप एग्जर्शनल कुछ एग्जर्शन के बाद चेस्ट पेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेबल अंजाइना। अनस्टेबल मतलब कभी भी होने वाला, उसमें एग्जर्शन से कुछ रिलेशन नहीं है। ओके, दिस इज द अनस्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट इज सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो हमें क्या करना है एंजाइना में, क्या करना है कोरोनरी आर्टरी में जो ऑब्स्ट्रक्शन आया है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फॉरमोस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करेंगे, ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल देंगे जो कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करके मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई बढ़ाएंगे और जो इस्केमिक एरिया है उसे अगर अच्छा ब्लड सप्लाई मिला तो पेशेंट कैन रिवर्ट। एक ये चीज कर सकते हैं। सेकेंड क्या कर सकते हैं, स्लोइंग द हार्ट, हार्ट को पंप मींस हार्ट को स्लो करना मतलब क्या, उसका ऑक्सीजन डिमांड कम करना। अगर किसी चीज को जोर से फोर्स से काम करना है उसे ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, ज्यादा ब्लड सप्लाई लगेगा, आप उसको कॉन्ट्रैक्शन कम कर दो। हमें पूरे बॉडी का ब्लड सप्लाई का नहीं सोचना है हार्ट अटैक में, हमें ब्लड सप्लाई किसका सोचना है, हार्ट के खुद का ब्लड सप्लाई। तो इसमें अगर वो कम स्पीड से भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा। ओके, देन एक तो सप्लाई कैन बी इंक्रीज और सेकेंड इज डिमांड कैन बी रिड्यूस। तो सप्लाई कैन बी इंक्रीज, एक तो डायलेट करना कोरोनरी आर्टरी को, हार्ट को स्लो करना, और डिमांड कैन बी रिड्यूस मतलब डिमांड कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द आफ्टर लोड। देखो आफ्टर लोड कैसे होता है, वॉट इज आफ्टर लोड, बहुत बार ये वर्ड आते हैं प्री लोड और आफ्टर लोड। जैसे कि एओर्टा से ब्लड सप्लाई निकला, जैसे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एओर्टा से ब्लड फ्लो निकला, तो जो रेजिस्टेंस है, पेरीफेरल रेजिस्टेंस है, तो सारे वेसल्स अगर बहुत टाइट है, एओर्टा से ब्लड निकलने के बाद अगर वेसल्स टाइट है सारे, तो हार्ट को जोर से काम करना पड़ेगा। अगर सारे के सारे ब्लड वेसल्स डायलेटेड अगर होंगे तो हार्ट को बहुत ज़्यादा जोर से काम नहीं करना पड़ेगा अगर डायलेटेड है। तो ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल दो जो पेरीफेरल वेसल्स डायलेट करेंगे। आफ्टर लोड कम करने के लिए कौन सी दवाई आएगी फिर जो वेसल्स को डायलेट करेगी, फॉर एग्जांपल अल्फा ब्लॉकर्स आएंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आएंगे, एस इनहिबिटर्स आएंगे, ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो वेसल्स को डायलेट करेंगे जिससे आफ्टर लोड कम होगा, टीपीआर टोटल पेरीफेरल रेजिस्टेंस कम होगा। और दूसरी चीज क्या करते हैं, रिड्यूस द प्री लोड, प्री लोड मतलब हार्ट के तरफ आने वाले लोड को कम करो, है ना, जो वेन्स पे डिपेंड है, जो ब्लड इंफेरियर वेना क्या हुआ सुपेरियर वेना क्या हुआ जो ब्लड ले आ रहा है, तो प्रीलोड इज डिपेंड अपॉन द वेनस फिलिंग, आफ्टर लोड इज डिपेंड अपॉन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो इन चीजों का याद रखना तो हमें ड्रग सिलेक्शन में इजी जाएगा सारी चीजें। फिर क्लासिफिकेशन में एंटी एंजाइनल ड्रग्स में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में दो क्लासिफिकेशन है, ईजी है बट समझना जरूरी है क्योंकि हम लोग रैंडमली यूज करते हैं इसे। एक है शॉर्ट एक्टिंग, सेकेंड है लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आता है ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, ये याद रखना, ट्राइनाइट्रेट्स, ठीक है, GTN या नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन। लॉन्ग एक्टिंग में कौन सा आता है, आइसोसॉर्बेटेड डाइनाइट्रेट। आइसोसॉर्बेटेड ड्राइनाइट्रेट के दो यूज है, सपोज जो हमें मोस्ट कॉमनली पता है सॉर्बिट्रेट की गोली जो टंग के नीचे रखते हैं, सॉर्बिट्रेट की गोली जो टंग के नीचे रखते हैं दैट इज आइसोसॉर्बेटेड डाइनाइट्रेट। अगर वो इफ गिवन सबलिंगुअली, अगर वो सबलिंगुअल देते तो वो शॉर्ट एक्टिंग हो जाएगी, अगर उसे ओरल देते हैं तो वो लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगी। बट आइसोसॉर्बेटेड डाइनाइट्रेट जनरली हम लोग सबलिंगुअल देते हैं क्योंकि वो फास्ट एक्ट करे। देन है आइसोसॉर्बेटेड मोनोनाइट्रेट, इथिट्रिल, टेट्रानाइट्रेट, ये सारे नए मॉलिक्यूल्स है। टेट्रानाइट्रेट हमें इतना डीप में जाना नहीं है, हमें तीन चीजें पढ़नी है, एक मोनोनाइट्रेट, डायनाइट्रेट और ट्राइनाइट्रेट। उसमें से सिर्फ इतना याद रखना शॉर्ट एक्टिंग वाले में सिर्फ एक ही है ट्राइनाइट्रेट। ओके, जो ट्राइनाइट्रेट है वो शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग में मोनो और डाय आता है। हम लोग इधर नीचे में देख लेते एक बार, देखो मैंने इसमें टैबलेट के साथ पिक्चर्स बनाए हुए हैं जो कि हमें अच्छे से याद रहे। कोई भी चीज़ के अगर हम लोग टैबलेट्स देखते हैं और उसे याद करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से ब्रेन में
उसका इम्पैक्ट रहते हैं. फर्स्ट इज आइसोसॉर्बिटेट मोनोनाइट्रेट, जैसे कि आइसोनॉम 10, आइसोनॉम 20 की जो टैबलेट आती है, दिस इज मोनोनाइट्रेट. ये है मोनोनाइट्रेट, ये हम ओरल देते हैं, ये लॉन्ग एक्टिंग है. इसको बीडी में दिया तो भी चलेगा या टीडीएस में दिया तो भी चलता है. आइसोसॉर्बिटेट मोनोनाइट्रेट सम यूज टू प्रिस्क्राइब ओडी, सम बीडी डोज में इसको देते हैं. ये सॉर्बिट्रेट है, वो डाइनाइट्रेट है. आइसोसॉर्बिट्रेट डाइनाइट्रेट, सॉर्बिट्रेट की गोली जो कॉमनली यूज होती है. देन दिस इज GTN सॉर्बिट्रेट, ये ट्राइनाइट्रेट है, ये ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट. दिस इज द नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट. दिस इज द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ये शॉर्ट एक्टिंग है. अगर किसी पेशेंट को MI आता है तो दिस एक्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, इसके फ्रिक्वेंट डोजेस लेने पड़ेंगे. और ये नया मॉलिक्यूल है डेलकॉन, ये है टेट्रानाइट्रेट, ठीक है, पेंटोथीलियल टेट्रानाइट्रेट हमें, बट इसका इतना यूज नहीं पूछेंगे आपको. मोनो डाई और ट्राई में डिफरेंस करते आना चाहिए. और ये GTN एंजाइना के सबलिंगल स्प्रेज भी आते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं. आई होप वो क्लियर हो गया. अभी ट्राइनाइट्रेट शॉर्ट एक्टिंग में, ट्राइनाइट्रेट लॉन्ग एक्टिंग में डाई और मोनोनाइट्रेट. फिर एंटी एंजाइना ड्रग में सेकेंड है बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल, कार्बिडोलॉल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. हमने क्लासिफिकेशन देखा था, डायहाइड्रोपायरिडिन्स वगैरह सब आएंगे उसमें, निफेडिपिन, निकारडिपिन. बट इसको भी बड़े सोच के यूज़ करना है कि कौन सा यूज़ करना है एंटी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में भी. पोटेशियम चैनल ओपनर निकोरेंडिल हमने उसी दिन पढ़ा. एंटी प्लेटलेट ड्रग एस्प्रिन या वारफेरिन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जब हम लोग पढ़ेंगे एंटी प्लेटलेट, एंटी कोएगुलेंट्स एंड फिब्रिनोलिटिक्स ड्रग में ये आएगा. एंड अदर इज डायहाइड्रो डायपैराडिमोल्स एंड सिक्स इज डायपैराडिमोल. तो आज हम लोग देखेंगे नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल, ये हमने पढ़ लिया है. नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, रैपिडली एक्टिंग नाइट्रेट्स यूज टू टर्मिनेट एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना, जो रैपिडली एक्टिंग है. जो नाइट्रोग्लिसरीन है ना, यूज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली. लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट यूज टू प्रिवेंट अटैक ऑफ एंजाइना, अगर किसी पेशेंट को अभी अटैक नहीं है उसको रोकना है तो वी कैन गिव आइसोसॉर्बिटेट डाइनाइट्रेट, सॉर्बिट्रेट की गोली हम लोग दे सकते हैं. फार्माकोकाइनेटिक्स, The onset of action varies from 1 minute as in nitroglycerin to 1 hour as isosorbitate mononitrate. अगर आपने nitroglycerin दिया, अगर आपने nitroglycerin isosorbitate trinitrate GTN दिया है तो 1 minute में काम करेगा. अगर isosorbitate mononitrate दिया, isonorm tab 10 दिया, तो उसको 1 घंटा लगेगा. तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एंजाइना में तुरंत अटैक है तो isonorm 10 देते बैठेंगे क्या, नहीं, उसको नाइट्रोग्लिसरीन देंगे या सबलिंगुअल देंगे सॉर्बिट्रेट. नाइट्रोग्लिसरीन अंडरगो सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. देखो ये नाइट्रोग्लिसरीन एक्ट तो फास्ट करता है, 1 मिनट में काम करेगा, बट ये सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगा, है ना, अगर हम उसको ओरल देते हैं तो. इसीलिए नाइट्रोग्लिसरीन शुड बी गिवन सबलिंगुअली. सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो तुरंत लीवर उसको डिस्ट्रॉय करेगा, 90% डिस्ट्रॉय कर देता है नाइट्रोग्लिसरीन को लीवर. इसीलिए नाइट्रोग्लिसरीन शुड बी गिवन सबलिंगुअली, ठीक है, और एज अ ट्रांसडर्मल पैचेस. स्टेबिलिटी ऑफ आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट अगेंस्ट द लीवर ब्रेकडाउन, बट जो आइसोसॉर्बिटेड मोनोनाइट्रेट है ये लेट तो काम करता है मोनोनाइट्रेट वाला, जैसे कि आइसोनॉन 10 वाला, दिस द मोनोनाइट्रेट, बट ये लीवर इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, है ना. तो ये मेन डिफरेंस है मोनोनाइट्रेट में, नाइट्रोग्लिसरीन में, कि कौन सा ओरली देना है और कौन सा सबलिंगुअली देना है. अगर आपने ओरल सबलिंगुअल दे दिया तो एक तो उसको लीवर डिस्ट्रॉय कर देगा और वो काम नहीं करेगा. तो नाइट्रोग्लिसरीन शुड नॉट बी गिवन ओरली, वो सबलिंगुअली देना है. हाँ, मोनोनाइट्रेट आप ओरली दे सकते हो. आइसोसॉर्बिटेड ड्राइनाइट्रेट गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ आइसोसॉर्बिटेड मोनोनाइट्रेट इन द बॉडी. जैसे कि आप सॉर्बिट्रेट की गोली देंगे तो वो बॉडी में जाके मोनोनाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी. टॉलरेंस टू द एक्शन ऑफ द नाइट्रेट डेवलप रैपिडली इन विच. देखो इसको बहुत जल्दी टॉलरेंस डेवलप हो जाता है नाइट्रेट्स को, मतलब उसके डोजेस बढ़ाने पड़ेंगे या वो काम नहीं करेगी. वेसल्स विल बी डिसेंसिटाइज टू द वैसोडायलेटर इफेक्ट ऑफ द ड्रग. अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली और कंटिन्यूसली नाइट्रेट्स अगर देते हो तो ब्लड वेसल डिसेंसिटाइज हो जाएगी, उसमें एक्शन ही नहीं होगी कुछ दिनों पर.
तो उसको क्या करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए टॉलरेंस कैन बी ओवरकम बाय डेली नाइट्रेट फ्री इंटरवल विच इज टिपिकली 8 to 12 hours। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें रिस्क ये है कि नाइट्रेट फ्री आवर्स में पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। तो कुछ पीरियड ऐसा छोड़ना चाहिए जिसमें, जैसे कि सपोज 4 to 5 hours नाइट्रेट की एक्शन है, आइसोसॉर्बिटेट मोनो की नाइट्रेट के देने के बाद वो 4-5 घंटा काम करेगी, तो आपने ऐसा कुछ पीरियड जिसमें 6 से 8 घंटे वो नाइट्रेट फ्री रहे। ओके, तो वो आपको डिसाइड करना है कौन सा करना है। पहले ये सोचते थे नाइट्रेट शुड बी, जो पीरियड है ये वो रात का रहना चाहिए। नाइट्रेट फ्री इंटरवल इज यूजुअली एट नाइट एज ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीजेस। रात को ऑक्सीजन डिमांड नहीं रखती, इंसान इतना एक्सर्शन नहीं करता है, इसलिए पहले ये सोचते थे कि जो नाइट्रेट फ्री इंटरवल है पेशेंट को रात को नाइट्रेट मत दो, जो कि उसका टॉलरेंस नहीं होगा। बट कुछ दिनों में फिर ये ट्रायल में पाया गया कि इन लोगों को अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक आते थे, है ना, अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक के चांसेस बढ़े थे। सो बट इन अ वेरिएंट अंजाना विच वर्सन ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग क्या होता था, ड्यू टू द सिकैड्रियन कैटेकुलामाइन अटैक, मॉर्निंग में कैटेकुलामाइन की एक्शन बढ़ जाती है, कैटेकुलामाइन हाई हो जाते, तो उस समय पे वैसोस्पाज्म होने के चांसेस रहते थे और पेशेंट मे एंड अप इन द MI। सो नाइट्रेट फ्री इंटरवल शुड बी इन एट द लेट आफ्टरनून। तो फिर बेस्ट पीरियड कौन सा है नाइट्रेट फ्री रखने के लिए, लेट आफ्टरनून का पीरियड। लगो सुबह का एक्सर्शन भी हो जाता है, दोपहर में इंसान रिलैक्स रहता है, तो लेट आफ्टरनून पीरियड इज द बेस्ट पीरियड फॉर द नाइट्रेट एज अ नाइट्रेट फ्री इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अगर वाइवा में पूछी तो यू कैन से इट बाय एक्सप्लेनेशन नाउ। टॉलरेंस टू द एंटी एंजाइनल एंड हिमोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट डेवलप, क्या हो जाएगा कि अगर टॉलरेंस हो गया तो हायर डोजेस लगेंगे, ड्रग हैव लॉन्गर हाफ लाइफ, इट इज कॉमन इन द पेशेंट बीइंग ट्रीटेड विद द टॉपिकल ट्रांसडर्मल कंटिन्यूस IV इन्फ्यूजन्स। कहाँ कहाँ से यूज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सबलिंगुअल ओरल IV एंड टॉपिकल रूट्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन रीनल इस्केमिया, एक्यूट MI में नहीं यूज करना है, अगर फ्यूजन एंटी एंजाइना में यूज करना है, एंजाइना मतलब उसको अगर चेस्ट पेन हो रहा है या फिर होने से रोकने के लिए वी कैन यूज, बट पेशेंट को MI का अटैक आया हुआ है, एक्यूट अटैक है, तो उस समय एंटी एंजाइनल मीन्स नाइट्रेट मत यूज करो, ऐसा बोलना है। पेशेंट रिसीविंग अदर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, तो सोच समझ के यूज करना। इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट क्या करता है, नाइट्रेट प्रमोट रिलैक्सेशन ऑफ द वेस्क्युलर स्मूथ मसल्स, ये हमें पता है, एंड डिक्रीज द वेनस रिटर्न एंड सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर को कम कर, मतलब प्रीलोड और आफ्टर लोड को कम करता है। हायर डोजेस ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट कॉज फर्दर वेनस पुलिंग एंड मे डिक्रीज आर्टेरियल रेजिस्टेंस एज वेल, देयर बाय डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। देखो जो लो डोजेस में है ना वो सिर्फ वेनस में काम ज्यादा करेगा, मोस्टली वेनस में ज्यादा काम करता है, बट हायर डोजेस में वो आर्टरीज को भी डायलेट करके BP कम करेगा, जिससे पेशेंट को पैलर हो सकता है, वीकनेस, डिजीनेस, ये सारी चीजें हो सकती है। रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, डिक्रीजिंग ग्रोथ प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा नाइट्रेट्स क्या काम करते हैं, इट डू रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड और प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों को कम करता है, डायलेटिंग कोरोनरी आर्टरीज एंड देयर बाय इंक्रीजिंग कोरोनरी ब्लड फ्लो। मेन इसका मोटो यही है कि कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करके कोरोनरी का ब्लड फ्लो बढ़ाना है। थेरापेटिक यूजेस कहाँ यूज करते हैं, स्टेबल एंजाइना पेक्टोरालिस, कंजेस्टिव कार्ड फेल्योर, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरालिस, नॉन ST एलिवेटेड MI, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें इन्होंने दिया है, बट सब कहीं कुछ जगह पे लिखते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में नहीं यूज करना है, उसमें डबल थेरी है, सो आपने कॉशियसली यूज करना है, पेशेंट का BP बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए ऐसे केस में, देन यू कैन यूज। प्रिंस मेटल एंजाइना को बोलते हैं वैसोस्पास्टिक एंजाइना। अदर पोर्टल हाइपरटेंशन, अस्थमा एंड एज अ डायोरेटिक। ये एक चार्ट बनाया हुआ है सारे इसका, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बिटेड डाइनाइट्राइड, मोनोनाइट्राइड एंड टेट्रानाइट्राइड का। तो आप डोजेस अगर पढ़ना है तो इसमें से डोजेस आप देख के पढ़ सकते हो, इसमें सबके डोजेस दिए हैं, सबलिंगुअल के, स्प्रे के, ऑइंटमेंट के, ट्रांसडर्मल के,
क्या क्या डोजेस है एंड टॉलरेंस कब मिलता है वो भी दिया हुआ है, तो अगर आपको चाहिए डिटेल्स में तो यू कैन गो थ्रू इट। ड्रग फास्ट, इसमें भी सेम वैसी है, फास्ट एक्टिंग स्लो एक्टिंग। फास्ट एक्टिंग चाहिए तो सबलिंगुअल दो, स्लो चाहिए ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट और ट्रांसडर्मल दो। डोज आइसोसॉर्बिट्रेट डाइनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट मतलब सॉर्बिट्रेट की गोली जो ओरल और या सबलिंगुअल भी दे सकते हैं। मोनोनाइट्रेट मतलब आइसोनॉम जो ओरल ही देना है, जो सबलिंगुअल काम नहीं करेगी। एंड निकोरेंडिल, निकोरेंडिल इज द पोटेशियम चैनल ओपनर जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या होता है नाइट्रेट्स, क्या करते हैं, सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स एट अ मिनिमल इफेक्टिव डोज। देखो मिनिमल ये भी इंपॉर्टेंट है, मिनिमल डोज, अगर कम डोज में दिया तो वेंस को डायलेट करेगी, डिक्रीज डायलेट द वेंस, डिक्रीज ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट। अगर वेंस डायलेट हो गए सुपेरियर वेना, सुपेरियर और इन्फेरियर वेना कावा में, कावा जो दोनों है वो ब्लड के हार्ट की तरफ ब्लड कम लेके आएंगे, हार्ट की तरफ ब्लड, हार्ट में ब्लड कम आया तो हार्ट ब्लड आगे भी कम भेजेगा। हार्ट की तरफ ब्लड कम आना मतलब प्रीलोड कम होना बाय डायलेटिंग द वेंस, ये काम करता है नाइट्रेट। डिक्रीज वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, आप प्रीलोड कम हो गया, ब्लड ही कम आया तो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भी कम है, कम है तो वॉल के ऊपर टेंशन कम आया, हार्ट के वॉल के ऊपर टेंशन कम आया, हार्ट के वॉल के ऊपर टेंशन कम आया तो बट ऑफ व्यू से मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगा। अगर नाइट्रेट का डोज बढ़ाते हैं तो वो आर्टरीज को डायलेट करेगा, आर्टरीज को अगर डायलेट करेगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा, अल्टीमेटली आफ्टर लोड कम होगा, वॉल टेंशन कम होगा एंड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगी। तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज प्रीलोड एंड व्हाट इज आफ्टर लोड। तो नाइट्रेट कैसा प्रीलोड भी कम करता है और कैसा आफ्टर लोड भी कम करता है और मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन को भी कम करता है। डोजेस आप पढ़ लो एक बार, 2.5 mg to 10 mg आइसोसॉर्बिटेड डाइनाइट्रेट का है जो सबलिंगुअली देते हैं। एज अ अल्टरनेटिव 1-3 स्प्रे या फिर स्प्रेज भी आप यूज कर सकते हो। एंजाइनल प्रोफिलेक्सिस 20-40 mg डेली डिवाइडेड डोजेस में, टू बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक 30 मिनट बिफोर मिल। मोनोनाइट्रेट अगर है, आइसोनॉम अगर है, आइसोनॉम की अगर टैबलेट ले रहे तो ओरल डोजेस 20 mg 2 or 3 टाइम्स अ डे। ऑल दो डोजेस रेंजेस फ्रॉम 20-120 mg डेली हैव बीन गिवन। साइड इफेक्ट क्या होगा नाइट्रेट्स का, ये पूछते हैं। हेडेक हो सकता है, मोस्टली देखा जाता है पेशेंट को हेडेक होता है, डायलिटेशन ऑफ द मेनिनजियल आर्टरी के कारण एंड डिसअपियर। जैसे किसी सपोज आपके पेशेंट आपको पास हेडेक लेके आया तो देखो अगर उसको नाइट्रेट्स शुरू है तो उसके कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करके उसके डोजेस टेपर करो या फिर दूसरा कुछ एंटी एंजाइनल शुरू करो, बहुत अगर सीवियर हेडेक है तो। फ्लशिंग हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ऑर्थोस्टेटिक डिजीनेस हो सकता है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है तो बीटा ब्लॉकर मेटाप्रोलॉल मेटेक्सल 25 से कोई भी वैसोडायलेटर, चाहे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो, अल्फा 1 ब्लॉकर हो या नाइट्रेट्स हो, इनके साथ मोस्टली आप बीटा ब्लॉकर यूज करके ही काम करना चाहिए। भले ही वो बीटा ब्लॉकर थोड़ा कम पावर कर लो, जैसे कि मेटेक्सल 25 मोस्ट यूजफुल ड्रग इन दिस केस। कॉन्ट्राइंडिकेशन सीवियर एनीमिया में नहीं देना चाहिए। हाइपोटेंशन अगर किसका है लेस देन 80 mmHg है उनको नहीं देना चाहिए, हाइपोवॉल्यूमिक पेशेंट को नहीं देना चाहिए। रेज इंट्राऑक्युलर या इंट्राक्रेनियल प्रेशर कंडीशन में नहीं देना चाहिए। हाइपरट्रॉपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में नहीं देना चाहिए, कार्डियक टेम्पोनेड में भी नहीं देना चाहिए। इंटरैक्शन अल्कोहल सिडानाफिल और बाकी ड्रग मॉलिक्यूल के साथ भी ये इंटरैक्ट कर सकता है, तो बाकी सारे ड्रग थोड़ा कॉशियसली यूज करना। देखो नाइट्रेट प्लस बीटा ब्लॉकर कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी कहा आपको, नाइट्रेट विथ मेटाप्रोलॉल मेटेक्सल 25 वगैरह जो टैबलेट है उसका क्या बेनिफिट है, बीटा ब्लॉकर प्रिवेंट रिफ्लक्स टैकीकार्डिया एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रोड्यूस बाय नाइट्रेट इंड्यूस हाइपोटेंशन। देखो नाइट्रेट के कारण रिफ्लक्स टैकीकार्डिया हो सकता है जिसको कवर करेगा आपका बीटा ब्लॉकर। नाइट्रेट प्रिवेंट कोरोनरी वैसोस्पाज्म प्रोड्यूस बाय द बीटा ब्लॉकर।
ठीक है, बीटा ब्लॉकर के कारण कोरोनरी वैसोस्पाज़म हो सकता है, तो नाइट्रेट उसको रखेगा, मतलब दोनों एक में को सिनर्जिस्टिकली एक्ट करेंगे। बीटा ब्लॉकर टैकीकार्डिया रोकेगा तो नाइट्रेट वैसोस्पाज़म रोकेगा। नाइट्रेट प्रिवेंट इंक्रीज इन अ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर और प्रीलोड रिजल्टिंग फ्रॉम द नेगेटिव। बस इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ नाइट्रेट प्लस बीटा ब्लॉकर के एडवांटेजेस ज्यादा है। प्लस नाइट्रेट प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेंगे, वैसोडायलेटेशन इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी हिस्टेमिक इफेक्ट ऑफ बोथ नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम। देखो वैसोडायलेटेशन दोनों भी करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड नाइट्रेट दोनों वैसोडायलेटेशन करेंगे। द नाइट्रेट्स हाउएवर एक्ट्स प्रिंसिपली ऑन द वेनस सर्कुलेशन वेयर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर प्राइमरी आर्टेरियल वैसोडायलेटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन में, वैसोडायलेटेशन मतलब सिर्फ वेसल्स का डायलेटेशन नहीं, तो उसको देखना है वो एग्जैक्टली क्या डायलेट कर रहा है। नाइट्रेट मोस्टली कम डोजेस में अगर देते तो वेनस डायलेटेशन करेंगे और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वो आर्टरीज को डायलेट करेंगे। हाउएवर बोथ नाइट्रेट्स एंड डीएचपी डायहाइड्रोपाइरोडीन्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैन प्रोड्यूस रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। ये दोनों रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कर सकते हैं, हेंस डेल्टियाजिम एंड वरापरमिल आर मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस देन निपिडिपिन निकारडिपिन फॉर यूज इन कॉम्बिनेशन विद नाइट्रेट कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो नाइट्रेट प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो यूज करना है, बट आपने एम्लोडिपिन निपिडिपिन निकारडिपिन कोई भी डिपिन है ना जो डायहाइड्रोपाइरिडिन ग्रुप से है उसको यूज किया तो पेशेंट का टैकीकार्डिया बढ़ेगा क्योंकि वो वेसल्स डायलेट करते हैं। हमने देखा था जो ग्रुप है जो नॉन डायहाइड्रोपाइरोडीन्स ग्रुप में आता है, फॉर एग्जांपल डिल्टियाजिम एंड वेरापरमिल, डिल्टियाजिम और वेरापरमिल ये इतना स्पेसिफिकली वेसल्स को डायलेट नहीं करते, ये मोस्टली हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं जस्ट लाइक अ बीटा ब्लॉकर। जैसा बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को बढ़ने नहीं देता वैसे डिल्टियाजिम या वेरापरमिल हार्ट रेट बढ़ने नहीं देता। सो नाइट्रेट्स के साथ आपको यूज करना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो डिल्टियाजिम या वेरापरमिल यूज करना है। ये पूछते हैं, अगर आपको पूछा नाइट्रेट के साथ आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे तो कौन सा देंगे, तो आंसर इज डिल्टियाजिम एंड वेरापरमिल, नॉट एम्लोडिपिन निपिडिपिन या निकारडिपिन। देखो इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द कंक्लूजन, नाइट्रेट्स का कंक्लूजन क्या है, 5 मिनट बाकी है, विल सी। जो रेड कलर में है दिस इज द अनडिजायरेबल इफेक्ट शोन इन द इटैलिक्स रेड। अनडिजायरेबल मतलब ये नहीं चाहिए, सपोज हार्ट रेट अगर किसी पेशेंट को नाइट्रेट देते हैं सिर्फ सॉर्बिट्रेट की गोली देते हैं तो पेशेंट को रिफ्लेक्स के चांसेस ज्यादा है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होने के चांसेस ज्यादा है। किसी पेशेंट को सिर्फ बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं तो वो उसका हार्ट रेट कम होगा, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से अगर देते तो वो बढ़ेगा भी। नाइट्रेट प्लस बीटा ब्लॉकर देते हैं तो वो डिक्रीज रहेगा, इसमें स्टार मार्क नहीं है। स्टार मार्क क्या इंडिकेट करे, डायहाइड्रोपाइरिडिन मे कॉज अपोजिट इफेक्ट ड्यू टू द रिफ्लेक्स इंक्रीज इन सिंपैथेटिक टोन। स्टार मार्क है मतलब अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज किया आपने तो वो हार्ट रेट बढ़ाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी आप ये एक बार पढ़ लेना, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इसमें देखो नाइट्रेट अलोन यूज करने से 2 रेड मार्क है, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अलोन यूज करने से 2 रेड मार्क है। रेड मार्क मतलब अनडिजायरेबल इफेक्ट इसमें, बट नाइट्रेट के साथ आपने बीटा ब्लॉकर यूज किया या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मोस्टली डिल्टियाजिम और वेरापरमिल दो ही, तो ये डिल्टियाजिम और वेरापरमिल इतना स्पेसिफिक नहीं है, आई वोंट रिकमेंड क्योंकि उससे बहुत ब्रेडी हो सकता है पेशेंट को। तो बेस्ट चॉइस इज नाइट्रेट प्लस बीटा ब्लॉकर। अगर पेशेंट को आइसोनॉम 10 या आइसोनॉम 20 शुरू है तो उसको एक मेटेक्सल 25 शुरू होना चाहिए। तो इसमें देखो एक भी रेड मार्क नहीं है, मतलब ये हार्ट रेट को भी मेंटेन रखेगा, आफ्टर लोड को भी मेंटेन रखेगा, प्रीलोड को भी मेंटेन रखेगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी में इतना कुछ फर्क नहीं आएगा और इजेक्शन फ्रैक्शन में भी इजेक्शन टाइम में भी ये चेंजेस नहीं करेगा। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन इज नाइट्रेट प्लस बीटा ब्लॉकर। इफ यू वॉन्ट टू गो विद द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देन सेलेक्ट मोस्टली डिल्टियाजिम या वेरापरमिल। कंक्लूजन, नाइट्रेट प्लस बीटा ब्लॉकर स्टेबल एंजाइना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्लस बीटा ब्लॉकर इनस्टेबल एंजाइना व्हेन द ट्रीटमेंट विद द नाइट्रेट्स एंड बीटा ब्लॉकर हैज फेल्ड। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्लस नाइट्रेट इन अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है ये आपने एक बार पढ़ लेना। मेन इज आपने सिर्फ ये याद रखना है, हाँ ये एक ड्रग मॉलिक्यूल है, ये मोस्टली पीवीडी में यूज होता है, पेरिफेरल वैस्कुलर एंटी एंजाइनल करके
इतना नहीं यूज होते बट एक बार देख लो, 2 मिनट का समय। एंटॉक्सिफाइलिन एन एनालॉग ऑफ अ थियोफाइलिन फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर, इट हैज शोन टू इंक्रीज ब्लड फ्लो इन अ इस्केमिक एरिया बाय रिड्यूसिंग द होल ब्लड विस्कोसिटी एंड बाय इंप्रूविंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आरबीसी। ऐसे कोई ब्लड वेसल जो माइक्रो सर्कुलेशन में अगर जिसमें प्रॉब्लम है, अगर ब्लड वेसल्स नहीं जहां पे पहुंच पा रहे आरबीसी, तो ये क्या करेंगे, ये ड्रग पेंटॉक्सिफाइलिन क्या करेगा, विस्कोसिटी कम करेगा, आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेंज करेगा एंड इंप्रूविंग पासेज ऑफ ब्लड टू द माइक्रो सर्कुलेशन। ये माइक्रो सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये न्यू मॉलिक्यूलर पेंटॉक्सिफाइलिन ऑक्सीपेंटॉक्सिफाइलिन डू नॉट अफेक्ट हार्ट रेट, हार्ट रेट टीपीआर बीपी में कुछ इसका फर्क नहीं पड़ता। पेंटॉक्सिफाइलिन इज यूजुअली वेल टॉलरेटेड। साइड इफेक्ट नोशिया, वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया, क्लॉटिंग, ये हो सकता है। डोजेस इसके बीडी या टीडीएस, 400 mg बीडी या टीडीएस में हम लोग दे सकते हैं। इंडिकेशन कहाँ कहाँ यूज करेंगे पेंटॉक्सिफाइलिन, नॉन हिमोरेजिक स्ट्रोक क्लेम टू हैसन अ रिकवरी। हैसन अ रिकवरी मतलब ये रिकवरी बढ़ाएगा पेंटॉक्सिफाइलिन, जैसे कि मोस्टली स्ट्रोसेट वगैरह यूज होता था, तो पेंटॉक्सिफाइलिन कैन बी यूज क्योंकि ये माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाएगा जहां इस्केमिक एरिया में ब्लड सप्लाई अच्छा करेगा पेंटॉक्सिफाइलिन, जो ट्रिनाटल के नाम से या फ्लेक्सिटल के नाम से टैबलेट आता है। क्रॉनिक सेरेब्रोवैस्कुलर इंसफिशियंसी, इंप्रूव द सिम्टम्स लाइक वटाइगो, टिनिटस, मेमोरी डिफेक्ट में भी ये इंप्रूव करेगा। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, जिन पेशेंट को TIA हुआ है, ऐसे पेशेंट को जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस है, डायबिटिक इन्फ्लेमेटरी वैस्कुलर डिसीजेस है, दिस कैन हेल्प। लेग अल्सर्स या गैंग्रीन में भी काम करेगा। दिस इज द मल्टी फैक्टोरल ड्रग जिसकी एफिनिटी बहुत जगह पे है, तो पेंटॉक्सिफाइलिन अभी याद रखो। इंटरमीटेंट क्लाउडिकेशन ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोटिक डायबिटिक इन्फ्लेमेटरी वैस्कुलर डिसीज, वॉकिंग डिस्टेंस इंक्रीज, मतलब ऐसे पेशेंट में ये वॉकिंग डिस्टेंस बढ़ाएगा, मतलब पेशेंट का माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ड्रग इज पेंटॉक्सिफाइलिन। ओके, दिस इज ऑल फॉर टूडे। आई होप कि मैक्सिमम टॉपिक हमने क्लियर किया है। ओके, इट इज लेस देन 1 मिनट। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंटी अरिथमिक ड्रग लेंगे।